Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमारे चैनल के अबाउट में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का फॉर्म फिल करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। फीमेल्स के लिए अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप फॉर्म भर के उसमें ऐड हो सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल के अबाउट में हिंदी ऑडियो शायरी एक दूसरे यूट्यूब चैनल का भी लिंक है, आप जाकर उसको भी सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको अबाउट में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप अपनी वीडियोस के लिए कोई म्यूज़िक चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अबाउट में दिया हुआ है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑडियो म्यूज़िक फैक्ट्री को वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अब ले चलती हूं आपको वीडियो की ओर। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वागत है गाइस आपके अपने राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ आपका दोस्त राहुल और गाइस आ गया हूँ काफ़ी दिनों बाद एक टेक्निकल वीडियो लेकर के। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप व्हाट्सएप से परमानेंटली अकाउंट किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप व्हाट्सएप से परमानेंटली अकाउंट अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे डिलीट कर सकते हैं, है ना। लेकिन गाइस, जो लोग जानते हैं वो लोग वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक और सभी लोगों के साथ शेयर जरूर करके जाएं। और जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग वीडियो पूरा एंड तक बने रहें, बीच में स्किप करके या फिर भगा करके ना देखें, है ना। तो गाइस, व्हाट्सएप से अकाउंट डिलीट करने के लिए हमें चलना होगा व्हाट्सएप में। तो हम यहाँ पर व्हाट्सएप ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर गाइस मैं व्हाट्सएप को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइस हमारा व्हाट्सएप जो है वो ओपन हो चुका है, हमें चलना होगा मोर ऑप्शन में, ठीक है। तो मोर ऑप्शन में चलेंगे। तो गाइस हमने व्हाट्सएप को ओपन किया, अब यहाँ पर हमने मोर ऑप्शन पे क्लिक किया तो हमें चलना है सेटिंग में, ठीक है। यहाँ पर सेटिंग में चलेंगे। तो सेटिंग में चलने के बाद हमें चलना है सर्च यू राहुल कुमार, ये हमारा प्रोफाइल नेम वगैरह है, ठीक है। QR कोड बटन टू स्विच और ऐड अकाउंट, स्विच और ऐड अकाउंट, यहां पर ऐड अकाउंट वगैरह कर सकते हैं। खैर ये सब अभी इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। अकाउंट सिक्योरिटी नोटिफिकेशन हमें यहां पर चलना है गाइस, बटन टू स्विच। उसके बाद अकाउंट सिक्योरिटी नोटिफिकेशन चेंज नंबर हमें इसी पे क्लिक करना है, ठीक है। तो गाइज अब हमें चलना है लास्ट वाले ऑप्शन में जहाँ पर हमें मिलेगा डिलीट अकाउंट, ठीक है। तो हमने व्हाट्सएप में आए, मोर ऑप्शन में आए, तो अकाउंट नोटिफिकेशन चेंज नंबर इस पे क्लिक किया, ठीक है। अकाउंट सिक्योरिटी नोटिफिकेशन यहाँ पर अभी इस ऑप्शन पे हमने क्लिक किया तो हमें लास्ट वाले ऑप्शन में चलना है, पास कीज, ईमेल एड्रेस, टू स्टेप वेरिफिकेशन। इसके ऊपर हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बन रखी है, टू स्टेप वेरिफिकेशन कैसे अनेबल करते हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो हमारे टेक्निकल वाली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। चेंज नंबर इस पर भी हमें नहीं जाना है। रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो, ऐड अकाउंट, ऐड अकाउंट के जस्ट बगल में डिलीट अकाउंट मिल जाएगा जो कि लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। डिलीट अकाउंट, तो चलिए डिलीट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। डिलीट दिस अकाउंट, तो गाइस आप ध्यान से समझिएगा इसको, डिलीट दिस अकाउंट ये हेडिंग है। इफ यू आर डिलीट दिस अकाउंट, ठीक है। The account will be deleted from WhatsApp and all your devices. ठीक है, अगर आप WhatsApp से अकाउंट डिलीट करते हो तो ये पूरी तरीके से टेम्परेली डिलीट हो जाएगा ये। और आगे चलेंगे, Your message history will be erased. मैसेज हिस्ट्री अरेज, यानी कि मैसेज हिस्ट्री भी आपका जो जितनी भी मैसेज, जो भी मैसेजेस होंगे वो सारे डिलीट हो जाएंगे। स्वाभाविक सी बात है, अगर आप WhatsApp से अकाउंट डिलीट करेंगे तो मैसेज हिस्ट्री डिलीट होगी होगी, ठीक है।
You will be removed from all your WhatsApp groups. आप जितने भी WhatsApp ग्रुप में हो, यानी कि जितने भी आपने इस नंबर से WhatsApp ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं, वो सारे ग्रुप से आप ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाओगे, यानी कि हट जाओगे अगर आप डिलीट अकाउंट डिलीट करते हो तो. ठीक है, आगे चलेंगे. Your Google storage backup will be deleted. अगर आपने कोई चैट्स का बैकअप वगैरह ले रखा होगा तो वो भी डिलीट हो जाएगा, है ना? तो आगे चलेंगे. डिलीट योर पेमेंट्स इन्फो. अगर कोई पेमेंट वगैरह कर रखी होगी, हिस्ट्री वगैरह, वो भी डिलीट हो जाएगी. आगे चलेंगे. Any channels you created will be deleted. तो आपने अगर कोई चैनल वगैरह क्रिएट किया होगा, तो अगर आप अकाउंट डिलीट करते हो तो वो भी डिलीट हो जाएगा. ठीक है. चेंज नंबर इंस्टेड. तो गाइस, आप ऐसा भी कर सकते हो कि नंबर भी चेंज कर सकते हो, है ना? तो अगर आप नंबर चेंज कर देंगे तो फिर आपका जो ग्रुप्स वगैरह है, आपका जो भी बायोडाटा है, वो दूसरे नंबर पर आ जाएगा. तो यहाँ पर इसके बाद चेंज नंबर पर क्लिक करके नंबर भी चेंज कर सकते हो. अगर आप इस अपने पुराने नंबर से व्हाट्सएप नहीं चलाना चाहते, तो अगर आपके पास कोई दूसरा नंबर है तो नंबर चेंज कर सकते हो. आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जो भी चैनल्स हैं, वो सारे दूसरे नंबर पर आ जाएंगे, है ना? तो अगर आप नंबर चेंज करना चाहो तो नंबर चेंज कर देंगे, मतलब नंबर चेंज कर सकते हो, सॉरी, है ना? तो गाइस, फिलहाल हमको अकाउंट डिलीट करना सीखना है, तो हम इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे. लेकिन अगर आप नंबर चेंज करना चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट चेंज भी कर सकते हैं. नहीं तो चेंज नंबर का ऑप्शन वैसे भी अलग से भी मिलता है. ठीक है, अकाउंट सिक्योरिटी नोटिफिकेशन में जाओगे तो वहाँ पे चेंज नंबर का भी ऑप्शन मिलता है. ठीक है, तो वहाँ से भी चेंज कर सकते हो और यहाँ से भी चेंज कर सकते हो. फिलहाल हम नंबर चेंज करने के टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक है अकाउंट डिलीट करना है. तो यहाँ से नंबर चेंज कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया है. अब आगे चलेंगे. डिलीट योर अकाउंट, अब ये बोल रहा है कि अपना कंट्री कोड और अपना मोबाइल नंबर कन्फर्म करो. तो कंट्री कोड और कंट्री तो ये पहले से ले लेता है. ठीक है, आपको जो एंटर करना होगा वो अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा. ठीक है, कंट्री इंडिया, चूज अ कंट्री. तो गाइस, हमारी जो इसने कंट्री है वो ऑलरेडी ले रखी है. ठीक है, तो कंट्री को हमें नहीं छेड़ना है. तो आपकी भी कंट्री जो है, वो जो सी भी आपकी कंट्री है, ये ऑटोमेटिक ले लेगा. ठीक है, फोन 91, ये कंट्री कोड है, तो इसको भी आपको नहीं छेड़ना है. बगल में एक ऑप्शन है, यहाँ पर बोल रहा है फोन नंबर एडिट बॉक्स. तो इस पर क्लिक करके आपको मोबाइल नंबर डालना है. फिलहाल मैंने मोबाइल नंबर कॉपी कर रखा, तो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नंबर पेस्ट कर दिया. अब हमें चलना है डिलीट अकाउंट. तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर डाला है. मोबाइल नंबर जहाँ मैंने डाला है उसके बगल में ऑप्शन मिल रहा है हमें डिलीट अकाउंट. ठीक है, डिलीट अकाउंट पे क्लिक करेंगे. डिलीट दिस अकाउंट. तो यहाँ पर गाइस, हमने डिलीट अकाउंट पे क्लिक किया, अब हमसे रीजन पूछेगा व्हाट्सएप. ठीक है, डिलीट दिस अकाउंट. We hate to see you leave. Tell us why you are deleting your account. ठीक है, ये पूछ रहा है कि आप डिलीट, मतलब व्हाट्सएप से क्यों अकाउंट डिलीट करना चाहते हो, उसका रीजन बताओ. ठीक है, सेलेक्ट रीजन. यहाँ पर क्लिक करके आप रीजन भी सेलेक्ट कर सकते हो. बहुत सारे रीजन इसमें दिए गए हैं, और इसके बाद एक ऑप्शन मिलता है. How can we improve? Optional. Edit box. ठीक है, ये एडिट करने के लिए कह रहा है. अगर आपका कोई रीजन है तो यहाँ पर एडिट भी कर सकते हो. ठीक है, How can we improve? Optional. और ये बगल में डिलीट अकाउंट, ये How can we improve? Optional. इसके बगल में डिलीट अकाउंट का ऑप्शन है. अगर आप रीजन सेलेक्ट कर लिए तो यहाँ पर डिलीट अकाउंट पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हो. ठीक है, How can we improve? Optional. Edit box. तो यहाँ पर एडिट बॉक्स है, और एडिट बॉक्स भी कर सकते हो. और सेलेक्ट अ रीजन, इस पर क्लिक करके रीजन देख लेते हैं क्या क्या रीजन है. बाकी आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो. यहाँ पे मैं आपको रीजन दिखा देता हूँ क्या क्या है इसमें. I am changing my phone number. यानी कि इसका कहने का मतलब है कि आप WhatsApp का अकाउंट इसलिए डिलीट कर रहे हो कि आप नंबर चेंज करना चाहते हो. अगर आपका ये रीजन है तो ये सेलेक्ट कर सकते हो. I am deleting my account temporarily. है ना, आप टेम्परेली डिलीट ही करना चाहते हैं, तो आपका ये रीजन है तो ये भी सेलेक्ट कर सकते हो. WhatsApp is missing a feature. 4 तो WhatsApp, ये आपके मतलब WhatsApp में कोई फीचर मिस है, इस वजह से आप अकाउंट डिलीट कर रहे हो. तो अगर आपका ये रीजन है तो ये भी सेलेक्ट कर सकते हो. WhatsApp is not working. 5 तो आपके क्या डिवाइस में WhatsApp वर्क नहीं कर रहा है. अगर आपका रीजन ये है तो आप इस पे भी क्लिक करके डिलीट कर सकते हो. ठीक है, जो भी आपका रीजन है, बाकी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ. अदर, ठीक है, तो अगर अदर पे भी क्लिक कर सकते हो, तो जो भी आपका रीजन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं. खैर, मैं फिलहाल बैक करूंगा. बैक बटन. ठीक है, डिलीट दिस अकाउंट. डबल टैप. तो जो भी आपका रीजन है वो सेलेक्ट करके हाउ कैन वी इंप्रूव
इधर लास्ट में डिलीट अकाउंट मिल रहा है, यहाँ पे क्लिक करके आप अकाउंट डिलीट कर सकते हो। फिलहाल मैं अकाउंट डिलीट नहीं करूँगा क्योंकि इसमें मेरी इंपॉर्टेंट चैट्स वगैरह हैं। फिलहाल ये तो मैंने बस खाली वीडियो बनाई थी, ठीक है। तो चलिए बैक करेंगे। अब आपको मुझे वानी रिपीट कर देते हैं, ठीक है। हाँ, तो बैक करेंगे, इसको रिपीट करेंगे। तो गाइस व्हाट्सएप से अकाउंट डिलीट करने के लिए आपको करना क्या है, व्हाट्सएप को ओपन करना है, मोर ऑप्शन में जाना है, सेटिंग में जाना है। तो वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट सिक्योरिटी नोटिफिकेशन चेंज नंबर, उस पर क्लिक कर देना है। तो आपको एकदम लास्ट में चले जाना है, वहाँ पे आपको मिलेगा डिलीट अकाउंट, ठीक है। ऐड अकाउंट के बाद आपको मिल जाएगा डिलीट अकाउंट, उस पर आपको क्लिक कर देना है। वहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको दिखाएगा कि अगर आप व्हाट्सएप से अकाउंट डिलीट करते हैं तो मैसेज हिस्ट्री आपकी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जो भी आपने चैनल बनाया वो सब डिलीट हो जाएगा, ये सब आपको बताएगा, है ना। तो आपको सिंपल क्या करना है, डिलीट अकाउंट वाला ऑप्शन ढूंढना, उस पर क्लिक कर देना है। तो वहाँ पर आपका कंट्री और कंट्री कोड और कंट्री जो है वो फ़ोन नंबर कुछ कंफर्म आपसे करेगा, ठीक है। तो कंट्री तो आपका पहले से ही ले लेगा वो, ठीक है, और कंट्री कोड भी आपका पहले से ही ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, सिंपल अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो वहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद डिलीट अकाउंट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको रीजन, आपसे रीजन पूछेगा। तो वहाँ पर एक एडिट बॉक्स भी होगा जहाँ पर आप अपना रीजन लिख सकते हो, नहीं तो वहाँ पर एक आएगा सेलेक्ट रीजन, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। तो उस सेलेक्ट रीजन पर क्लिक करके आपका जो भी रीजन हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद जैसे सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर डिलीट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से आपको व्हाट्सअप से अकाउंट डिलीट करना है। तो गाइस कैसे लगी वीडियो, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और सभी लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। गाइस रामायण के लगभग आप लोगों के लिए 19 एपिसोड बन चुके हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो रामायण वाली प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और भी प्लेलिस्ट का लिंक है, तो आप हमारी और भी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो अबाउट सेशन से ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सअप ग्रुप। अगर फीमेल भी ज्वाइन करना चाहे तो फीमेल के लिए अलग से ग्रुप है, तो वो भी सेम प्रोसेस अबाउट पेज से जा करके ज्वाइन कर सकती हैं। तो चलिए गाइस इतनी सी थी वीडियो, और मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए हॉन्टेड स्टोरी भी बहुत जल्द हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी रात 10 बजे। पहले हम लोग प्रसारित करते थे 2021 में, तो अभी भी हम प्रसारित करेंगे बहुत जल्द आप लोगों के लिए। तो वो आपको अपडेट दे दी जाएगी चैनल पर जब भी हम स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं आप लोगों से किसी ऐसे इंटरेस्टिंग कार्यक्रम में, और वीडियो को लेकर के अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं आप लोगों से इंटरेस्टिंग कार्यक्रम में, तब तक के लिए आप लोग देखते रहिएगा राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल। थैंक यू।